एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक विद अ न्यू एंड फ्रेश व्लॉग। और आज आप काफ़ी खूबसूरत लोकेशन देख रहे होंगे पीछे हमारी पिथौरागढ़ मार्केट। और आज मैं आपको एक काफ़ी खूबसूरत सी जगह पे ले जा रहा हूँ। वैसे अभी हमें रास्ता पता नहीं है, हम रास्ता ढूंढते ढूंढते पहुँच जाएंगे। और पीछे पिथौरागढ़ है और अब मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं बुद्धा टेम्पल। तो गाइज़ अभी हम लोग हैं ये GIC से ऊपर वाली रोड पर। और आगे को भाई लोग कहाँ पहुँच गए पता नहीं। अभी हम लोग हैं इस रोड पे, ये आती है GIC से ऊपर को और नीचे कहीं महादेव धारा है यहीं आसपास। तो हम वहाँ से ऊपर आ गए हैं और सामने पिथौरागढ़ मार्केट काफ़ी खूबसूरत दिख रही है। और इधर कहीं डिग्री कॉलेज है शायद ये। और हम लोग आ गए हैं इस साइड को और इस रूट के थ्रू जाना है। और मौसम काफ़ी सुहावना हो रहा है गाइस, और पैदल ही यात्रा पे हैं। भाई लोग तो आगे पहुंच गए हैं, अभी मैं पीछे रह गया हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में। और देखो कितना खूबसूरत मौसम है। तो चलो गाइस चलते रहते हैं और आपको दिखाते रहते हैं। तो गाइस ये भाई लोग भी थे मेरे साथ और ये आगे चले गए थे, तो दौड़ दौड़ के आना पड़ा। और ये चोरी कर रहा है इधर पे आड़ू, देख सकते हैं अभी भाई शकल भी दिखा रहा है। और अभी आपने देखा होगा कच्ची रोड थी और थोड़ा अब यहाँ पे पक्की रोड है। अभी कितना किलोमीटर बचा है अभी भाई पता है कुछ? गूगल मैप के हिसाब से 200 या 400 मीटर कुछ कह रहे हैं। तो हम शायद थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे और हालत ख़राब हो गई चल चल के। सुबह हम लोग काफ़ी दूर से आए थे, अब वो पीछे बड़े से पहाड़ दिख रहे ना उसके पीछे साइड से। और फिर अपना काम वगैरह किया कॉलेज में और अभी जा रहे हैं हम बुद्धा टेम्पल को। तो बने रहो। तो दोस्तों ये है वो चोर, आड़ू चोर दिया भाई शकल तो दिखा। ये देखिए चोर। और मैंने रुका भी नहीं गाइस, इसी चक्कर में मेरे को दौड़ते हुए आना पड़ा और सांस फूल गई एकदम। एक और आड़ू का पेड़ पर मैं नहीं चोरूंगा। और मेरे को भी दे आ रहे चोर ना, फिर एक और मीठा हो रहा है। दिस इज आड़ू। और भाई भाई और ये आजकल हमने एक नियम बनाया, हम पैदल ही चलते हैं जहाँ जाते हैं। सुबह से करीब 15-20 किलोमीटर का हो गया होगा हमारा और अभी भी चलने में ही है। गाइस फाइनली वी रीच्ड बौद्ध मंदिर, आप देख सकते हैं शायद अभी भाई बोल रहे हैं यही है बट मेरे को तो नहीं पता। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कैसा है अंदर को। फिलहाल यहाँ से पेड़ों की वजह से पिथौरागढ़ नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और क्या खूबसूरत मौसम हो रहा है गाइस, वाह। चलते हैं बुद्धा टेम्पल की तरफ और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं बुद्धा मंदिर। और ये देखो एक पताका टाइप की लगा रखी है यहाँ, झंडे जैसी। और अभी भाई लोग चल रहे हैं आगे आगे और मैं पीछे पीछे, देखते हैं अंदर कैसा है। बाकी इतनी शांति है ना गाइस, इधर एकदम खूबसूरत सी लोकेशन है। वाह ऊपर को खूबसूरत जंगल। और अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको पिथौरागढ़, ये देखिए। वाह यार क्या लोकेशन है, मज़े आ गए। ये देखिए हमारी सोर घाटी कितनी खूबसूरत दिख रही है यहाँ से। और अब सीधे आपको ले जाते हैं बुद्धा टेम्पल के भीतर। सो गाइस फाइनली हमारे पीछे है बुद्धा टेम्पल का गेट और कुत्ते भौंक रहे हैं पता नहीं क्यों। अभी भाई ट्राई कर रहे हैं खोलने के लिए, क्या है अभी भाई बंद हो गए। तो अभी भाई बोल रहे हैं ऊपर गुरुजी बैठे हैं और शायद बुद्धा टेम्पल बंद है, जा नहीं सकते क्या अंदर? क्या कहेंगे आप इतने दूर आए और जाने का मौका मिल रहा है नहीं? अब हम ज़्यादा जानते भी हैं ना गाइस क्या कर रहे हैं, जाएं नहीं जाएं ऐसे घुसना भी ठीक नहीं रहेगा। और वैसे भी गेट ओपन नहीं हो रहा है, बाकी लोकेशन इतनी खूबसूरत है ना एकदम शांति। कुत्तों ने शांति भंग कर दी है बाकी। और मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है यहाँ पे। फिलहाल बुद्धा मंदिर तो सामने है बट शायद अंदर जाने का मौका ना मिले। क्या मिलेगा हमें मौका पता नहीं, क्या करें पता नहीं। ये खुलन नहीं है क्या कभी? नहीं खोलते हैं क्योंकि वो बैठे हैं, बोलो एक बार। तो अंकल तो कह रहे हैं खुलता है पर अभी हमने बोला है लेकिन सुन नहीं रहे ना वो। नहीं अभी कहा हमने, ये अभी भाई हमारे
इन्होंने नहीं कहा था अभी नहीं खुलता है बोल रहे थे तो नहीं खोलते थे ना वो अच्छा आजकल नहीं खुलता होगा वो नहीं है क्या ये कोरोना से जरा यार एक खोलना होना बंद हो जाए ना दुनिया भर के आदमी आने वाले तेरे अच्छा अब किसको बीमारी है उस बीमारी किसी ने कोई पकड़ नहीं पाया किसी ने क्यों आदमी तो अच्छे खाजे चल रहे थे तो गाइस अभी हमने लोकल से पूछा तो सही कि ये खुलता है करके बोल तो रहे थे कि खुलता है पर परमिशन लेनी पड़ेगी और अभी भाई बुला रहे हैं एक बार जरा ट्राई करो तो गाइस वी आर ट्राइंग शायद ये खुल जाए बट क्या पता हमें ऐसे ही जाना पड़े घर को यहाँ पे लिखाते हैं वैसे ओपनिंग टाइम 9 to 5 PM 9 AM to 5 PM और गाइस मैं आपको दिखाऊं हमें कहाँ से भी कहाँ जाना है ये दिख रहा होगा आपको फ्लैग इसके भी काफ़ी पार जाना है मेरे को है तो गाइस ये कुछ कहना चाह रहे हैं क्या गुरु जी को आवाज़ कैसे लगाए यार मैं नहीं जानता हूँ तो हम यहाँ तक पहुँचे पर शायद हम जाएं नहीं जाएं अंदर क्या होता है यार आपको बता देंगे वीडियो पे बाकी ये देखिए बुद्ध टेम्पल सो गाइस भाई लोग फुसफुसाहट कर रहे हैं भाई बुलाना बुला तो सही बुलाना गुरुजी गुरुजी वंस मोर शायद गुरुजी ध्यान में है यार क्या जो आपने पताकाओं में लिखा है पढ़ पाएंगे तिब्बती भाषा में आती है अच्छा तो गाइस मैं देखता हूँ क्या क्या लिखा है इनमें शांति है एकदम पर कुत्तों ने शांति भंग करी ये क्या यार इतना खतरनाक गाइस सुबह से चलने में पहले 15 किलोमीटर बाजार तक चले और 4 किलोमीटर वहाँ से यहाँ पहुँच गए हैं पर शायद आज बुद्धा टेम्पल में जाने का मौका ना मिले अभी भाई लास्ट बार कॉल करो एक बार गुरुजी तो गाइस हम लोग बुलाते रहे हैं बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है पता नहीं क्या हुआ तो गाइज ऊपर से रिस्पॉन्स आ गया कि नहीं खुलेगा आपको कैसा अनुभव हो रहा है आपकी जीवनी इच्छा थी कि बहुत मंदिर घूम के आओ कैसा अनुभव हो रहा है आज शायद बुलावा नहीं होगा बुलावा नहीं होगा महात्मा बुद्ध का तो गाइज बाकी चलते हैं घर को नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे अब ऊपर से ही घूम के जाएंगे हमें तो जाना है बहुत दूर कहीं और जाते हैं अभी ऊपर से नहीं वहीं से घर को चलते हैं लेट हो जाएंगे अभी कहीं और जाते हैं नहीं जगह तो गाइज देखते हैं अब क्या करते हैं हम क्योंकि हमें घर भी जाना है इतना चल गया ना हम 17-18 किलोमीटर चल गए होंगे सुबह से तो गाइज आज हमें यहाँ से ऐसे ही जाना पड़ेगा क्योंकि शायद आजकल नहीं खुलता है कोरोना के बाद से तो यहाँ तक लाया मैं आपको उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अभी भाई डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और मजा आया तो कर ही देना लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में टेक केयर बौद्ध मंदिर दिखाने वाले थे बट नहीं दिखा पाए सॉरी वैसे वीडियो सही बनी है तो लाइक कर दो